पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड पुस्तक पहली बार नागालैंड के बारे में कई भ्रांतियों को दूर करती है। इस पुस्तक के अध्ययन से हमें पता चलता है कि नागालैंड में सनातन धर्म कितनी गहराइयों के साथ जुड़ा हुआ था। नागालैंड के लोगों की वीरता, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था इस किताब के अध्ययन से हमें पता चलती है। किताब के लेखक जगदम्बा मल जी ने अपने 20 साल के परिश्रम के बाद नागालैंड के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियों को इस पुस्तक में समेटा है जो आज तक देश के लोगों को पता नहीं है। नागालैंड को अशांत प्रदेश बनाने वाले संगठन, नागालैंड की उन्नति के लिए काम करने वाले संगठन, नागा लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में नागा वीरों की भूमिका और नागालैंड में धर्मांतरण का कुचक्र चलाने वाले लोगों के बारे में इस ग्रंथ में बेबाकी के साथ लिखा गया है। नागालैंड के लोग अपनी वीरता, अपनी कला, अपनी संस्कृति और देश के प्रति अपने अपार स्नेह के लिए भी जाने जाते हैं। वहाँ के लोगों ने कभी भी अपने को भारत से अलग नहीं समझा, जबकि अभी तक देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की अवधारणा थी कि नागालैंड के लोग अलग तरह के हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। लेकिन इस पुस्तक के अध्ययन से हमें पता चलता है कि नागालैंड के लोग राष्ट्र के प्रति कितनी जागरण भावना रखते हैं, राष्ट्र उनके लिए सर्वप्रथम है। श्री जगदम्बा मल्ली जी ने इस ग्रंथ में पद्म भूषण रानी गाय दिनल्यू जी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। रानी गाय दिनल्यू को पूर्वोत्तर में देवी माँ की तरह पूजा जाता है। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदू धर्म की रक्षक थी। नागालैंड में उन्होंने सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने का काम किया। रानी ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में लगा दिया। आज अगर नागालैंड में हिंदू धर्म संस्कृति, मठ और मंदिरों के दर्शन होते हैं तो उसके पीछे महारानी जी का त्याग, तपस्या और बलिदानी है। पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड ग्रंथ में नागालैंड की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जाने माने नागा राजनेता डॉक्टर एस सी जमीर का नागालैंड के विकास में योगदान और उनकी राजनीतिक दृष्टि पर भी ग्रंथ में महत्वपूर्ण सामग्री दी गई है। होकिशे सेमा, डॉक्टर इमकांगलिबा आओ, मापू चुभा आओ जैसे राजनेताओं की राजनीतिक सोच और नागालैंड के प्रति उनकी भावना को भी इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जगदम्बा मल जी ने बहुत परिश्रम के साथ एक एक जानकारी जुटाई है और मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसी प्रमाणिक जानकारी देश के सामने आई है। यह पुस्तक नहीं है बल्कि एक ग्रंथ है। आने वाली पीढ़ी के लिए यह पुस्तक बहुत सार्थक साबित होगी। पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड पुस्तक का प्रकाशन सुरुचि प्रकाशन ने किया है। सुरुचि प्रकाशन देश, संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों पर पुस्तक छापने का हामी रहा है। ऐसी सुरुचिपूर्ण पुस्तकें सुरुचि प्रकाशन से लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड पुस्तक सुरुचि प्रकाशन का एक ऐसा उपहार है जो युवा पीढ़ी को देश के अभिन्न अंग नागालैंड के बारे में गहराई से समझने में बहुत मददगार साबित होगा।